तो शिजान खान ने तुनिशा की मौत पर तोड़ी चुप्पी एक्ट्रेस के निधन के सत्तर दिन बाद जाहिर किया दर्द जी टीवी एक्टर शिजान खान को एक्ट्रेस बादशा शर्मा सुसाइड मामले में जेल जेल से से रिहा कर दिया है वो से बाहर आ गए हैं और शर्मा की सुसाइड के बाद गिरफ्तार किया गया था एक्ट्रेस की मां ने एक्टर पर केस किया था कि उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था और कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था तो वहीं रविवार 5 मार्च को शिजान खान को महाराष्ट्र के पालघर जिले में वसई की एक अदालत से जमानत मिल गई जेल से बाहर आने के बाद शिजान खान का एक वीडियो आया है जिसमें वो अपनी बहनों से मिलकर रोते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं एक्टर ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में तुनिषा के बारे में बात की और उन्होंने तनिषा के बारे में कई सारे बातें कही हैं दरअसल शिज़ान खान ने बताया कि मुझे आज आज़ादी का सही मतलब समझ आया है मैं इसे महसूस कर सकता हूं जब मैंने अपनी मां और बहनों को देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए अब मैं उनके पास आकर बहुत खुश हूं शिज़ान ने आगे कहा कि आखिरकार मैं अपने परिवार के साथ हूं एक शानदार एहसास है अगले कुछ दिनों तक मैं बस अपनी मां की गोद में सिर रखकर लेटना चाहता हूं उनके हाथों का खाना खाना चाहता हूं और बहनों और भाई के साथ वक्त गुजारना चाहता हूं। तो वहीं जब इंटरव्यू में उनसे एक्ट्रेस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे उसकी याद आती है और अगर वो जिंदा होती तो मेरे लिए लड़ती शिजान के वापस आने के बाद उनकी बहन फलक नाज ने कहा कि हम शिजान के आने पर बेहद ही खुश हैं अब चीजें सही होने में थोड़ा समय लगेगा शिजान फाइनली अब बाहर आ गया है हम उन सभी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया और जो हमारे साथ खड़े रहे ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो मुंबई